बस कर, लाते मार मार के अपनी टांगे तोड़ रहा है, भेज दे इस खचड़े को किसी कबाड़िए को, छोटी मोटी गाड़ी ले। अम्मा क्या मजाक लगाया हुआ है, पैसों की आती है गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी भी ना 20-25 लाख रुपए से कम की नहीं है। हेलो, तुम्हारे लिए कौन सा मसला है भाई 20-25 लाख? इतनी अमीर ससुराल के दामाद हो, कहो लाकर गाड़ी दे तुम्हें। अच्छा, बेटी यहाँ पर खुश नहीं है, उसका बाप खुला की बातें कर रहा है, तुम कह रही हो गाड़ी ले लूं मैं वहां से। बेगैरत हैं वो लोग, तो उनको तो चाहिए कि खुद गाड़ी की चाबी अपने दामाद के हाथ पे रखें। कैसी उनकी मुसीबत हमने सर पे उठाई है, इज्जत बचाई है उनकी क्यों? अरे अम्मा, इनसे कहां हो पाएगा। उस दिन याद है रानिया के बाप के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन के खड़ा था। माशाल, हमेशा माचिस वाला ही काम करती हो तुम। वाह, मुंह से आप तुम निकाल रहे हो, है माचिस वाला काम तुम्हारी बहन कर रही है। अरे माँ बोला कर ना, ये मुंह खोला कर, जहाँ बोलने की जगह होती है वहां तो मुंह पे ताले लग जाते हैं। मिंग 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 करता पिता, और बहन के सामने गुर्रा रहा है, बड़ा आया। क्या हो गया, थोड़ी देर बैठते तो तेरी भिंडी के पीछे पड़ गई। भिंडी, सारे प्रोग्राम जानती हूँ मैं, तेरे सारे प्रोग्राम सत्यानाश कर दूंगी। बेगैरत, माँ की आंखों में धूल झोंक रहा है, तुझे समझ नहीं आती तेरी नाइट ड्यूटी थी, वरना कल तेरी ऐसी शामत लगाती ना तो लग पता जाता। अरे बुआ, क्या है, क्या कह रही हो? ये जो 20-30 हज़ार रुपए का जोड़ा मटके घूम रही है ना, है ये तुम्हारी हक हलाल की कमाई का बेशरम, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला है जो तुम इस अमीरजादी पे लुटा रहे हो। वो मुझे लग रहा है कि कोई गलतफहमी हुई है, वो मैं तो बस। अफवाह बंद कर, गलतफहमी हो गई है, सब पता है मुझे, जो हर महीने पैसे गायब होते हैं ये किसके मुंह में डाले जाते सब मालूम है मुझे। चाहे किस नवाबजादी को ऐसी तेरी हौलत करूंगी ना, याद करेगा। यदि ना मैं तो जा रहा हूँ भिंडी लेने के लिए, कुछ और मंगवाना तो बता दो, और पैसे भी दे दो, पैसे नहीं है मेरे। पैसे चाहिए? रुक जा, पैसे पैसे दे। अरे पैसे चाहिए मुझे, रुक। खैर अब भरमों को भर रहा है। बंद करो ये नाटक। मैंने शक्ल नहीं देखी, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, आ जाओ ना, एक दफा आ जाओ ना, माँ को शक्ल दिखा दो ना बेटे, आ जाओ ना दादे, आ जाओ। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अरे अल्लाह, कहाँ रह गए थे तुम, हैं कोई खैर खबर नहीं कि पैसे उड़ाने के साथ साथ नशा भी शुरू कर दिया? आके दिखा मुझे, मुंह दूंगा के बुद्ध बने खड़ा है। ये क्या हुआ? चोट लगी है। कैसे लगी ये चोट, देख के नहीं चलते क्या? ये बकूफी कर रहा, चोट तो लगनी थी। दिखाओ मुझे जरा। नहीं नहीं, इतना गहरा जख्म नहीं है बेटा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, ये उम्र भर नहीं भरे, ना ये ठीक होगा और ना ही वो लोग ठीक रह सकेंगे जिन्होंने ये नासूर मुझे दिया है। तुमने मारा है उसे, कत्ल किया है, तुम हो उसकी कातिल। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती थी ऐसा। बेटा है, मैं कैसे मार सकती हूँ इसे, मैं नहीं चाहती थी ऐसा रशीद।
मेरी जान, मेरे बच्चे तो जहां चला गया है वहां से कोई वापस नहीं आता। खुश हो जाओ, तुम्हारा मंसूबा कामयाब हो गया। भीमवत मारा गया? आपने मारा है उसे। जो गड़ा मेरे लिए खोदा गया था ना, आपका इकलौता गिर गया है उसमें। आपने किया था ना ये सब कुछ प्लान? आपके हिसाब से तो मुझे मर जाना चाहिए था ना। मर गया आपका इकलौता। शदीद नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। मेरी औलाद को तबाह कर दिया तुमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे बस कर दो रशीद मियां, बस कर दो। मेरी बच्ची तो पहले ही मर चुकी है। नहीं करूंगा मैं बस। क्यों कर दूं बस? इसने की थी बस। कितना समझाया था इसे मैंने, अल्लाह से डरो। उसकी लाठी पे आवाज है। भाई मैं बुरी, मेरे बच्चे बुरे, सब बुरे, और तुम और पूरी दुनिया जो हम में कीड़े निकाले वो सब अच्छे। आए भाई शाही ना करो। क्या होगा अफसर का? अल्लाह करे, अल्लाह करे हमजा पे भी ऐसा ही जुल्म, ऐसे ही तड़पे वो, ऐसे ही तड़पे जैसे मेरी बच्ची को तड़पाया उसने। ये बद्दुआ मांगते हुए अपना जुल्म भी याद रखना। ऐसा ना हो कि तुम भी मुश्किलात का शिकार हो जाओ। डाते तो बाप की भी बर्बाद होंगी। रोएंगी तो अब आप भी। क्या कहा तुमने? क्या मतलब था तुम्हारा? अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। आप लोगों का हिसाब शुरू हो चुका है। डरें अल्लाह से। सना की तलाक तो एक छोटा सा ट्रेलर था। बाप ने तुझे घर से निकाल कर फेंक दिया, हमारे सर पे मंड दिया। शौहर तुझे मुंह नहीं लगाता, दुनिया तुझ पे फूफू कर रही है, चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाए मत, बढ़िया बात निकल रही है तेरी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। क्या कर रही हो ये? तुम्हें कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। सब जाओ, छोड़ दो। खुदा का खौफ करो, क्यों उस मासूम पर जुल्म कर रही हो? ऐसा ना हो कि इसका कहर हम पर नाजिल हो जाए। मासूम जान, छोड़ दे। अरे कितना चिल्लाते हो तुम? आज तक मेरी हामी ने कभी इतना नहीं बोला जो इसके लिए बोल रहे हो। हाँ? पता भी है घर के मामलों में क्या होता है? हर मामले में कूदना है तुम्हें।
फिक्रों के पर्दे फाड़ के, खुशियों को चप्पी मार के, बोलो बेटा चाशनी, हाँ थोड़ी चाशनी तुम अपनी बात से। फिक्रों के पर्दे फाड़ के, खुशियों को चप्पी मार के, बोलो बेटा चाशनी, हाँ थोड़ी चाशनी तुम अपनी बात से। कभी ये लगे इमली की चटनी से मीठा मुरब्बे से पल पल जिंदगी, कभी ये लगे लाल हरी चिली से गुर्राती बिल्ली से पल पल जिंदगी। उसकी पकड़ शदीद है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बताओ रशी, मैं क्या करूं, कैसे इस गुनाह का कफारा अदा करूं, मुझे बताओ, मुझे इस बोझ से आजाद कर दो रशी, आजाद कर दो। इतनी आसान सजा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तो जिंदा रहना चाहिए, सिसक सिसक के मरने के लिए। बोलो, 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 मुझे और फैसला मंजूर, और फैसला मंजूर है रशीद। दो, दो, दो मुझे सजा, दो, मुझे बहुत से आजाद कर दो। तो ठीक है, मेरा फैसला भी सुन लो। वो फैसला जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रशीद नहीं, ऐसा ना करो, खुदा के लिए ऐसा ना करो। रशीद ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। बहुत हिम्मत करके ये फैसला किया है मैंने। इससे पलटूंगा नहीं। मेरे और इसके रास्ते हमेशा के लिए जुदा है। Thank you.
क्या कह रही थी तुम? मम्मा कहीं नहीं जाएंगी। मम्मा तो जाएंगी, मेरे पास आओ ना बेटे, मेरे पास रहा करो, दूर मत जाया करो, समझती नहीं है बच्ची बात को। देखो बेटा, मम्मा तो जाएंगी और चुपचाप जाकर दस्तखत कर कर आएंगी, और तब तक तुम गारंटी के तौर पर मेरे पास रहोगी। कैसे साहेब? हाँ कुछ भी नहीं, बस सिर्फ चाहे धात के पेपर्स पे साइन। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती, सच्ची। क्या करूं? ऐसी सख्ती कर दी है कि बुलाकर मुझे लेके जाना ही पड़ेगा तुमको साइन करवाने। लेकिन वहां पर तुम्हें मुंह बंद रखना है, तक तुम्हारी प्यारी सी बेटी मेरी बहू मेहमान बन के रहेगी मेरे पास, है ना? कैसी माया? अरे माँ बाप तो अपनी औलाद के खातिर क्या कुछ नहीं कर गुजरते। सिर्फ सिर्फ माफी मांगने की तो बात है, हमजा की यही शर्त है ना कि माफी मांग ले तो मांग ले। तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती सना? अगर हम उससे माफी भी मांग लेंगे ना, वो तब भी तुझे उस घर में आबाद नहीं करेगा, नहीं करेगा वो तुझे कबूल। जानती हूं मैं ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, आपकी बहू की वजह से ना। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। ले ले उसकी जान, लेकिन तुझे समझ में बात नहीं आ रही कि इन तिलों में तेल ही नहीं है। मेरी बात सुन, या तो तू उसके साथ गुजारा कर या फिर उसको छोड़ दे। अरे कैसी माया? आप अपनी बेटी को ये मशवरा दे रही हैं कि मैं अपना घर बर्बाद कर दूं? आसान सजा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए, सिसक सिसक के मरने के लिए। अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? अम्मा थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं। वो इस बात पे अड़ गई है कि रिश्ता सिर्फ लड़के वालों को ही लाना चाहिए। और अगर मैं अड़ गया तो? सुल्तान जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है अपने मोहब्बत को हासिल करने का। अगर आपकी असर से शादी हो गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। मेरी नहीं, तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बन जाएगी। जिस रास्ते पे तुम चल निकली हो उस पे चलते चलते कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। अरे ये तो अजीब बात हुई, यानी कि रशीद साहब ने आपा से अलहदगी का फैसला कर लिया। और वो भी इस उम्र में, ये कोई बात है करने की? जबकि ये काम इनको सालों पहले कर लेना चाहिए था। सब तो बैठे रहे, बस खुदा अपनी लाठी बरसा रहा है इनके सर पे। अल्लाह माफ करे, पहले बेटा जल गया और अब मियां साथ छोड़ रहा है।
वो लड़की नीम पागल है। आए दिन उसे दौरे पड़ते रहते हैं, किसी का कंट्रोल में ही नहीं रहती। भाभी वो ये सब कुछ दिखावे के लिए करती है। हर वक्त इस हुलिये में रहती हो, उलझन नहीं होती तुम्हें? नहीं। इसीलिए हमजा ना तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करता। मेरा शौहर मुझे देखे या ना देखे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ तुम अपने काम से काम रखो। आ गई अपनी औकात पर। पहले तो बहुत सॉरी किया था, प्रॉमिस भी किया था कि आइंदा आपके साथ मिसबिहेव नहीं करूंगी। मेरे सामने ना सोच समझ के बात किया करें। मैं हमजा से कहकर ना तुम्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हूँ। जिस दिन तुम्हारे ये चाकू पड़ेगा ना पेट में, तब पता चलेगा पागल क्या होते हैं। भागे ऐसे। हमजा, हमजा! बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह उसे हिदायत। इससे साजिदा मुझे तुमसे भी शिकायत है। अब दानिश को गए कई माँ हो गए, लेकिन तुमने इन मुसीबतों को अपने सर पे बिठा के रखा हुआ है। हाय अल्लाह का शुक्र मेरे बच्चे, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। सब काम खैर खैरियत से हो गए, अल्लाह का शुक्र। शुक्रिया तो अपनी बहन और भांजी का कर रहे हैं, बहनों ने कोई मसला क्रिएट नहीं। समझदार हैं ये लोग। पता है इन्हें अगर ये कोई मसला करती तो फिर बड़ा मसला हो जाता ना, है रानी? क्यों नहीं निकाल बाहर करती? क्या करूं भाभी, बहुत दफा बात की है लेकिन। छोड़ो साजिदा, ये तुम्हारी हमदर्दी का ना नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कमजोरी समझ रहे हैं तुम्हारी। आप जाके रशीद भाई से बात करें, उनका सामान निकाल के बाहर फेंकें, इस तरह वो नहीं जाएंगे। सामान फेंकने की क्या बात करे, बात करता हूँ जाके मैं, तुम लोग बैठो। रशीद साहब, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात आपसे मैं कैसे कहूं। लेकिन मजबूरी है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई ये बात। खुदा के लिए इन औरतों को यहां से ले जाइए और आज ही ले जाइए। तो खुद यहां से जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं मासूर बंदा, किसी की मदद के बगैर देर तक नहीं सकता। मैं इधर से उधर कैसे जाऊं? आप फिक्र ना कीजिए, मैं कार का इंतजाम कराऊंगा, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, हमें इतने अरसे तक झेला। आप बड़े आदमी,
मेरा छोटा सा मुंह आपका शुक्रिया नहीं अदा कर पाएगा। चलो जाने का वक्त आ गया। साजिदा ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की ना, कैसी महरूमी से मैंने जिंदगी गुजारी, और ना ये पूरा घर सब कुछ मेरा होता ना आज। अगर आप देखना अम्मा, नवाब नवाब बन के दिखाएगी, देखना नायला का दिन भी उसके घर की तरह कितना बड़ा है ना। बिल्कुल ठीक है, हम तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। खानदान वालों की आंखें चीजें देख के फटी की फटी रह गई। माफी मांग लो तुम भी। सबसे माफी मांग लो। कितना कितना बड़ा बोतान लगाया रानिया पे, कितना बड़ा बोतान लगाया हमने। तुमने तो भाई बहुत ही दिल जिगरे का मुजाहरा किया है इस वक्त। मतलब बताओ, कोई अपनी ऐसी बहू बनाता है जिसकी इज्जत तार तार हो गई हो? ये आप क्या कह रही हैं? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? की बात नहीं करनी थी, बच्ची की इज्जत के साथ के साथ। गलती हो गई, माफ कर देना। बल्कि मैं तो ये समझी थी कि साजिदा और दानियाल ने तुमको सब कुछ बता दिया होगा, सब सच बता दिया होगा कि उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ डाका पड़ा था, सिर्फ डाका ही नहीं पड़ा था बल्कि उस बच्ची की इज्जत भी। तौबा, मैं तो मुँह से अल्फाज ही नहीं निकलते। सब कुछ लुटा कर वापस वहीं जाए जहां से आए थे, सिर्फ मेरा दानी मेरे साथ नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ नहीं कहा तुमने।
मैं तो कहती हूँ कि हम चलते हैं अमिल बाबा के पास। क्या बिगाड़ लेगा अमिल बाबा, रिश्ते वाली से बात की, इस दफा बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आएगी वो इंशाल्लाह। अरे भाई रिश्ते वाली क्या कर लेगी, और मुझे नहीं चाहिए कोई भी अच्छा रिश्ता, मुझे चाहिए तो सिर्फ हमजा चाहिए। सुन रही है अम्मा इस बेहया की बातें, कैसे नानी की और माँ के सामने महबूब 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 लगी हुई, इतनी बुरी। तो और क्या करूँ मैं, जब आप लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे, सुनने को तैयार ही नहीं है, तो मैं तो खुल के बात करूंगी ना। तू परेशान करती है बच्ची को, है तू परेशान कर रही है उसे, क्यों क्या कमी है मेरी बच्ची में, उसका हमजा से क्यों नहीं रिश्ता हो सकता। आमका अरे तू फिक्र ना कर, मैं तुझे लेके जाऊंगी बाबा के पास, जैसा चाहिए वैसे ही होगा मेरे बच्चे।